संत बैठ जाए आसन पे तो माला तो पड़ेगा नहीं। और हमारी बात छोड़ो ना, ये तो पाकिस्तान गा रहा है। सौदे के बाद कुछ चेंजेज आए। अच्छा, आपने बदलाव महसूस किया? ऑफ कोर्स। और जो भारत माता का सम्मान बढ़ा सके, हे भारत के लोगों, ऐसे व्यक्ति को जरूर चुनना। मोदी योगी जिंदाबाद। मोदी है तो हर चीज मुमकिन है। योगी हिट है, यूपी फिट है। इन दिनों नारों की यही गूंज चहु दिशाओं से सुनाई दे रही है। आपका भारत पहले जैसा नहीं है। पीएम मोदी की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप में बदलते भारत की ताकत के आगे आज दुनिया नतमस्तक है। तो वहीं पीएम मोदी के पद चिन्हों पर चलने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना डाला है। भारत की राजनीति और नीति अब दोनों बदल चुकी है। नए भारत की नई तस्वीर में पीएम मोदी और सीएम योगी को लेकर भारत के आध्यात्मिक गुरु श्री देवकी नंदन ठाकुर महाराज की भविष्यवाणी क्या कहती है, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। भगवा दारी से बुलडोजर बाबा बने, बुलडोजर बाबा से अब एनकाउंटर बाबा बन गए। मैं बाबा ही नहीं हूँ। इस वक्त दंडाधिकारी के रूप में उनका फेस दिख रहा है, तो उनपे अगर आप कुछ, मैं देखो इसमें पॉलिटिकली इशू है और पॉलिटिकली इशू पे मैं कुछ बोलना नहीं। नहीं नहीं, संत समाज से आप उनको लेकर क्या राय रखते हैं? नहीं, मैं जो काम कर रहे हैं, देखो वो संत के साथ को लेकर, सनातन धर्म को लेकर, हर चीज को लेकर, मैं ऐसा मानता हूँ कि संत के साथ साथ इस समय वो सत्ता भी संभाल रहे हैं जी। और सत्ता की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। अब सत्ता कोई हम लोग आसन पे बैठ के, कोई संत बैठ जाए आसन पे तो माला तो करेगा नहीं। बिल्कुल, माला करेगा आसन बैठ के, ठाकुर जी के आगे बाप माला करेगा। लेकिन जब वहाँ समाज में एक राजा के रूप में जाएगा तो उसे राजा का जो रोल है, जो भूमिका है, वो तो निर्वहन करनी पड़ेगी। तो ये पॉलिटिकली जो क्वेश्चन है, इसका आंसर में दे के फंसना नहीं चाहता। बस इतना कहूंगा, राजाओं का काम राजा करें और धर्मगुरुओं का काम धर्मगुरु हम जैसे कर ही रहे। तो और कथावाचक, आप पूरी दुनिया घूमते हैं, ऐसे मुझे नहीं लगता कुछ देश छूटे होंगे जहाँ आपने कथा नहीं की हो, वहाँ पे कार्यक्रम आपके बड़े बड़े होते हैं इंटरनेशनल लेवल पर भी। और काफी लंबे समय से कर रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, तब के समय में और आपके समय में आपको कहीं फर्क दिखा, जिस तरह से विश्व पटल पर भारत की संस्कृति? अब भी ऐसा है कि 2014 के बाद कुछ चेंजेज आए। अच्छा, आपने बदलाव महसूस किया? ऑफ कोर्स। जब हम, मैं यहाँ किसी पर्टिकुलर में, देखो हम लोगों को क्या, जब हम ऐसे बोलते हैं तो हमें एक पार्टी से जोड़ते हैं लोग, पर सच यह है कि मैं सनातनी हूँ, मैं पक्का सनातनी हूँ। मुझे कई लोग अच्छे लगते हैं जो अदर पार्टी में, बहुत अच्छे लगते हैं। मैं किसी एक का भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन कसम से मुझे वो अच्छे लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि वो धर्म को, साधु संतों को भावनात्मक रिस्पेक्ट देते हैं, वो एज ए सनातनी अपने आप पर प्राउड करते हैं। तो मुझे उसके लिए वो अच्छे लगते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में। तो जब से 2014 से सत्ता परिवर्तित हुई है, तब से भारतीयों, क्योंकि हम बाहर जाते हैं, एज ए इंडियन लोग हमें रिस्पेक्ट देते हैं अब। और हमारी बात छोड़ो ना, ये तो पाकिस्तान गा रहा है। पाकिस्तान के दो चार लड़के लड़कियों का हमने इंटरव्यू सुना है, सुनाते हैं ना, ये हमारे जो छह छोरे हैं ये सब बताते हैं, ये वीडियो देखो महाराज, ये इस पे आपको मैटर मिलेगा, इस पे बोलो, तो ये दिखाते रहते हमारे बच्चे लोग। तो उन्होंने, वहां के लड़के लड़की इस बात को कह रहे हैं कि हम अपना पासपोर्ट दिखाते हुए डरते हैं, क्योंकि हमने ये देखा कि भारतीय बच्चों के पासपोर्ट जब वो लोग देखते हैं तो गर्व करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं, और हमारे जब पासपोर्ट देखते हैं तो हमसे वो हमको डराते हैं। तो ये बात तो पाकिस्तान के बच्चे बोल रहे हैं, कब के बाद? 14 के बाद जी। तो यही चीजें हमें आगे बढ़ानी चाहिए। 2014 के बाद ये सब चीजें हमारी हुई हैं, तो हम ये चाहते हैं जब पाकिस्तान इस चीज को एक्सेप्ट कर चुका है तो हमें भी करना चाहिए। और हाँ, ये भी मुझे अभी बताया कि यूक्रेन में जब वाद विवाद हुआ, तो जब विवाद चल रहा है जो अभी भी, पाकिस्तान के बच्चे भी इंडियन झंडा लेके निकले वहां से। किस लिए? कि दोनों तरफ से ये था कि इंडियन भारतीय जो लोग हैं उनके ऊपर कोई बमबारी, कोई गोलीबारी, कोई नहीं होगा, रिस्पेक्ट दिया जाएगा। तो इसको आप क्या कहेंगे, बदलाव है कि नहीं?
तो ऐसे बदलाव अगर मेरे भारत की छवि सुधार रहे हैं तो मैं तो इसके आगे कुछ भी नहीं हूं, मैं तो सल्यूट करूंगा, मैं तो एज ए भारतीय तो मैं यही चाहूंगा झंडा ऊंचा रहे हमारा। क्यों भूल रहे हैं हमारे पूर्वजों ने इसके लिए बलिदान दिया है, हम इस आजादी को तो बचाए रखें, इट्स माय ड्रीम। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि विश्व पटल पर भारत की संस्कृति, भारत की विरासत और भारत की सभ्यता को जिस तरह से मौजूदा सरकार में उभारा जा रहा है उसका बदलाव देखने को मिल रहा है। लोग फॉलो करते हैं, करोड़ों लोगों के आप इंस्पिरेशन है। जाते जाते बस एक सवाल, 24 में आप किसको देख रहे हैं? अगेन आपने अगेन पॉलिटिकल सवाल है अगेन, लेकिन मैं यही कहूंगा जो देश को आगे बढ़ाए जी, जो सनातन को आगे बढ़ाए, जो हमारी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाए, जो हमारी परंपराओं पर आंच न आने दे और जो हमारी सीमाओं की सुरक्षा कर सके और जो भारत माता का सम्मान बढ़ा सके, हे भारत के लोगों, ऐसे व्यक्ति को जरूर चुनना, क्योंकि ये मेरे और तुम्हारे मत की बात नहीं है, ये हमारे देश की बात है। देखो, मुझे उम्मीद है कि मेरे दर्शकों का जवाब उन्हें मिल चुका होगा, उन्हें अपने आपके इशारों से। बहुत बहुत महाराज, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए, धर्म ज्ञान के साथ। थैंक यू, नमस्कार।